गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? अच्छे अच्छे हो ना? ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे बताओ। गणित, आज हम गणित पढ़ेंगे। हाँ ठीक है, अभी हम गणित में क्या सीख रहे हैं? मैथ्स तो सब्जेक्ट हुआ ना बेटा, विषय हुआ। अभी हम पिछले सेशन में हमने कहाँ तक सीखा था आपको याद है? हमने 1 से 70 तक की गिनती सीख ली है ना, 1 से 70 तक की गिनती हमने सीख ली है। अब आज हम उसके आगे सीखेंगे। अच्छा आप लोग बताओ, 70 से आगे कौन सी गिनती है? ठीक है, ये क्या लिखा है पढ़ के बताओ। अठारह। बोलो, कितना लिखा है? 17 दिख रहा है ये? नहीं, आप लोगों को दिख रहा है ये? क्या मैं दिखा रही हूँ कौन सा नंबर है? इसमें 1 इकाई है और 7 दहाई है। 1 क्या है? इकाई, और 7 दहाई। तो 7 यानी कि 7 यानी 70 हुआ। 70 और कितना हुआ? 71। हाँ, इसीलिए मैंने पिछली बार आपको लोगों को कहा था ना कि आप लोग वाचन करो, पढ़ो, पढ़ोगे तभी आपको बोलने आएगा। अब बोल, आपको नंबर पहचान में आ रहा है पर इसे इसका शब्द कौन सा है आप नाम नहीं ले पा रहे हो, कौन सा अंक है? 71 है। क्या है? 71। अच्छा चलो ध्यान से देखो, बताओ अब ये क्या है? 72। वेरी गुड, अब बताओ। 73। 73। अब 74। 74। हाँ 75। हाँ ये क्या है? 75। हाँ 76। 1 मिनट, इसके घर के पीछे कौन पीछे से बोल रहा है? कुछ आवाज आ रही है मुझे, घर के लोगों को बोलो। खाली आप लोग ही बोलो है ना, नहीं तो मुझे दो दो आवाज सुनाई दे रही है। बोलो ये कितना है? 73। हाँ 77। 77। 78। 78। 78। हाँ 79। 79। 79। 79 के बाद क्या आएगा? 80। वेरी गुड, 80। हाँ 80। बोलो 80। चलो अब हम देखते हैं आगे। आज की तारीख बताओ बच्चों, आप लोगों को आज का डेट पता है ना? 14 तारीख। कौन सा महीना है? 12वां महीना। कौन सा महीना होता है? दिसंबर 2020। आज का हमारा सुविचार क्या है? बड़ों का आदर करो। आज का हमारा सुविचार है बड़ों का आदर करो। हाँ यानी कि अपने माता पिता, अपने गुरुजन और तुम्हारे बड़े भाई बहन, दादी नानी, दादाजी नानाजी, जो भी हमारे बड़े हैं, हमें सवेरे उठ के उनको प्रणाम कहना चाहिए, नमस्ते कहना चाहिए, गुड मॉर्निंग कहना चाहिए, और फिर वो जो भी कहें हमें उनका कहना मानना चाहिए। इसे कहते हैं बड़ों का आदर करो। आप लोग ऐसा करते हो? नहीं, अभी सवेरे उठना है, अपने घर में जितने बड़े हैं सबको गुड मॉर्निंग बोलना है, नमस्कार करना है, बड़ों का आदर करना है। ठीक है, करोगे ना आप लोग बच्चों? ठीक है, आज का हमारा विषय, आज देखो हम पहली के बच्चे हैं ना हम सब, आज का हमारा विषय है गणित।
और हमारा क्या है टॉपिक, घटक क्या है, 71 से 80 का परिचय तथा लेखन। और मैं आपकी कौन सी टीचर हूँ? मैथ्स की। मेरा नाम है संध्या सिंह। क्या नाम है मेरा? संध्या सिंह। ठीक है, चलो बच्चों ये तो एकदम अब सरल है, एकदम इजी है। बताओ ये कितनी लकड़ियों के गट्ठर हैं? ये जो गट्ठर में है 10। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब गिनो ऐसे कितनी लकड़ियों के गट्ठर है, ये कितना है? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। 70 और एक है हमारी छुट्टी लकड़ी, एक सिंगल हाँ, ये एक लकड़ी है। तो कितने हो गए सब मिलके? 71। वेरी गुड, 71। अब देखो अब फिर से हमारी लकड़ियों के बंडल आ गए, हमारी ये लकड़ियों के गट्ठर इनके बताओ 40, 30, 40, 50, 60, 70। हाँ 70। 70 और दो कितने हैं? 72। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ सभी बच्चे ध्यान देंगे। हाँ चलो फिर से गिनो, 10, 20, 40, 50, 60, 70। 70 और एक दो तीन। 70 और तीन कितने हुए? 73। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब देखो हाँ यहाँ देखो, हाँ अब गिनो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और गिनो ये छुट्टे लकड़ियां गिन दो, 1, 2, 3, 4। कितने हुए? 74 और 4, 74। हाँ, 74। अब देखो 10, 20, 40, 50, 60, 70। 70 और छुट्टे लकड़ियां कितनी हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो कितने हो गए? 75, 75, 75। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा क्या गिन रहे हो, एक मिनट फिर से गिनो, सब लोग साथ में गिनो, बोलो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 70 और 76, 77, 78। अब देखो अब गिनो 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 है बेटा, 8 नहीं है, 70 और 7, 70, 70 और 7, 77, 77। अब गिनो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। अब इसे ध्यान से गिनो नहीं तो गड़बड़ होगा, गिनो ध्यान से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हाँ हमारे छुट्टी लकड़ियां कितनी है? 8 है, तो कितना हो जाएगा 70 और 8? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 70, 8, 78। अब फिर से गिनो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। 70 और छुट्टे लकड़ियां जरा ध्यान से फिर से गिनो, मेरी पेंसिल जहाँ जहाँ जाएगी गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हाँ तो कितना हो गया? 79। अब देखो ये तो बहुत इजी है, फटाफट गिन दो
दस बीस तीस चालीस पचास साठ सत्तर अस्सी। हाँ, तो ये दस दस के आठ गट्ठर हैं, यानी कि सब मिला के कुल मिलाकर कितने हो गए, अस्सी हो गए। ठीक है, चलो अब इसका वाचन करो, पढ़ो। लिखा है कौन सा अंक लिखा है, पढ़ो। इकहत्तर। अच्छा, इकहत्तर में अब यहाँ देखो कितना दहाई है और कितना इकाई है। एक है दहाई, सात। सात दहाई यानी कितना, सत्तर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ध्यान से इसे देखो। हाँ, आगे इसके आधार पर मैं प्रश्न पूछूंगी तो आपको उत्तर आना चाहिए। सात दहाई यानी सत्तर, तो सत्तर धन एक बराबर कितना आएगा, इकहत्तर। हाँ, यहाँ ऊपर लिखा है ना इकहत्तर, तो इस डब्बे में, इस बॉक्स में भी इकहत्तर आएगा। यानी कि सात दहाई मतलब सात में एक हमें नहीं जोड़ना है, सत्तर में एक जोड़ना है। सत्तर धन एक बराबर इकहत्तर। समझ गए बच्चों? किसी को नहीं समझा तो पूछ सकता है दोबारा। अब आगे देखो, मुझे अब आप लोग बताओगे। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, बहत्तर। पढ़ो बहत्तर। अब यहाँ क्या है, पढ़ के बताओ। सात दहाई दो इकाई। सात दहाई धन, धन भी बोलो बेटा, धन दो दहाई दो इकाई, दो इकाई बराबर कितना, कितना बराबर कितना बताओ, बहत्तर। अच्छा, अब ये बताओ बहत्तर कैसे आ जाएगा। सात दहाई का मतलब सत्तर और दो, सत्तर धन दो बराबर बहत्तर। वेरी गुड, बहुत अच्छा, मतलब आप लोग समझ गए। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, पढ़ो। तिहत्तर। हाँ, तिहत्तर लिखा है। अब देखो सात, पढ़ो। सात दहाई, सात दहाई तीन, हाँ धन तीन इकाई बराबर बराबर यहाँ हमारे तिहत्तर। बोलो तिहत्तर। हाँ, जोर से बोलो तब बोलने आएगा, संकोच मत करो। तिहत्तर। हाँ, तिहत्तर। अब देखो अब यहाँ क्या लिखा है, पढ़ो। चौहत्तर। चौहत्तर। हाँ, अब देखो बोलो, सात दहाई, एक मिनट ध्यान से बोलो, सात दहाई धन चार इकाई, चार इकाई बराबर चौहत्तर। चौहत्तर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो ये क्या लिखा है, पढ़ो। पचहत्तर। पचहत्तर में ये क्या है, सात दहाई, सात दहाई धन पांच इकाई, तो सात यानी कितना हुआ, सात दहाई यानी कितना, सत्तर। सत्तर धन पांच कितना आएगा बॉक्स में, पचहत्तर कितना आएगा, पचहत्तर। बहुत अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, छिहत्तर। पढ़ो छिहत्तर। हाँ, छिहत्तर। अब देखो सात, सात दहाई, दहाई धन, धन छह इकाई, छह इकाई, तो सत्तर धन छह बराबर कितना, छिहत्तर। छिहत्तर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो अब यहाँ क्या लिखा है, सात और यहाँ भी है सात, यानी कि सतहत्तर। हमारे इकाई के स्थान पर भी सात है और दहाई के स्थान पर भी सात है। देखो यहाँ नीचे देखो, सात दहाई, सात दहाई धन, धन सात इकाई, सात इकाई बराबर बराबर कितना आएगा, सतहत्तर। सतहत्तर, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सतहत्तर। अब देखो यहाँ पर सात और आठ लिखा है, यानी कि अठहत्तर। अब देखो सात दहाई यानी कितना, सत्तर। सात दहाई
धन आठ इकाई, सात दहाई धन आठ के बराबर अठहत्तर, कितना आएगा अठहत्तर। हाँ अब देखो, अब यहाँ क्या है सात और यहाँ है नौ, तो इसे क्या पढ़ेंगे, सत्तर धन नौ उनासी, वेरी गुड उनासी। तो सात दहाई यानी सत्तर और धन नौ इकाई यानी कि सत्तर धन नौ यानी कि कितना हुआ नौ, उनासी। उनासी यहाँ डब्बे में हम क्या लिखेंगे बॉक्स में, उनासी। ये क्या लिखा है पढ़ो, आठ दहाई धन शून्य इकाई बराबर अस्सी। यहाँ पर सिर्फ आठ दहाई है, इकाई के स्थान पर क्या है जीरो, हाँ तो इकाई के स्थान पर जीरो है, इसीलिए हम सीधा जो दहाई है हमारा आठ दहाई यानी अस्सी, तो हम यहाँ बॉक्स में क्या लिखेंगे अस्सी, क्या लिखेंगे अस्सी। ठीक है बच्चों, अब आप समझ गए ना। अब देखो आगे, देखो ये वर्कशीट आप लोग बताओ मुझे कैसे करना है। अब यहाँ पे लिखा है सात दहाई धन एक इकाई, इसको हमें जोड़कर लिखना है, तो डब्बे में हम क्या लिखेंगे, कितना लिखेंगे, हाँ सात में एक नहीं जोड़ना है, सात धन एक आठ मत लिख देना गलती से। ऊपर देखो यहाँ पे मैंने लिखा है दहाई, यानी कि हम दहाई है तो सात का स्थानीय मान, सात का मान सत्तर हो गया, तो हमें सत्तर में एक जोड़ना है, तो जब हम सत्तर में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इकहत्तर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे देखो, अब हम यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, सत्तर धन तीन, क्योंकि ये दहाई है तो सत्तर धन तीन, यहाँ कितना आ जाएगा तिहत्तर। आप लोग बताओ ये इसको जोड़कर बताओ यहाँ डब्बे में कितना आएगा, पचहत्तर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सत्तर धन पांच पचहत्तर। अब यहाँ देखो बताओ यहाँ पर कितना आएगा सतहत्तर, सतहत्तर, सत्तर धन सात सतहत्तर। ठीक है आप लोग समझ गए ना, वेरी गुड। आगे देखो, बहुत स्मार्ट बच्चे हो है ना आप लोग, तो अब देखो यहाँ क्या है, हमें जोड़े मिलाना। अब कैसे जोड़े मिलाना है, सत्तर में अगर हम दो जोड़ते हैं तो कितना बन जाता है, बहत्तर। बताओ बहत्तर कहाँ लिखा, ये है बहत्तर लिखा नहीं, तो ये है नहीं, ये है हाँ दूसरा, हाँ तो हम अभी इसको इससे जोड़ेंगे। ठीक है, सत्तर धन दो बहत्तर, तो ऐसे हम जोड़े मिलाएंगे। ठीक है अब देखो ये क्या लिखा है पढ़ो, नीचे ने कुछ सीख नहीं रहा, क्यों बेटा देखो तो अब दिखा, यस अब दिखा, हाँ यस। चलो बताओ अब देखो, सत्तर धन आठ अब कितना हो जाएगा, तिहत्तर। नहीं अठहत्तर, सत्तर धन अठहत्तर, अठहत्तर कहाँ लिखा है, ये अठहत्तर लिखा है ना, हाँ ये कितना लिखा है अठहत्तर, अठहत्तर। अब बताओ सत्तर धन चार, सत्तर धन चार कितना हुआ, चौहत्तर। हाँ तो ये इसको हम जोड़ेंगे चौहत्तर को चौहत्तर से। अब सत्तर धन नौ कितना हुआ, उन्नासी। तो हम इसको इससे जोड़ेंगे उन्नासी। ठीक है अब आगे बढ़ो, यस हाँ अब देखो ये पढ़ो क्या लिखा है, अगर दस रुपए के सात नोट है हमारे पास तो कितने रुपए हुए, सेजर कौन बताएगा, हाँ दस दस के अगर सात नोट हमारे पास है तो सत्तर रुपए हो जाएंगे। अच्छा ठीक है अब बताओ, अगर दस दस लकड़ियों के छह गट्ठर है तो हमारे पास कितनी लकड़ियां हो जाएंगी, उनासी। उनासी नहीं, दस दस लकड़ियों के अगर छह गट्ठर है तो कितना हुआ, साठ। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा साठ हुआ, तो यहाँ हम साठ लिखेंगे। ठीक है अब आगे देखो पढ़ो, अब इसे आप लोगों को पढ़ना है, पढ़ो क्या लिखा है, उनासी।
कौन बार बार उनासी उनासी ही की रट लगाए हुए है? हर अंक उनासी ही है। आ? ये पढ़ो कितना लिखा है, इकहत्तर। हाँ, अगर आप लोग को पूरा नहीं साथ में पढ़ने आ रहा है तो एक एक अक्षर पढ़ो। यहाँ पे हमें इसको अंकों में लिखना है, ये शब्दों में लिखा है। किस में लिखा है? इकहत्तर। अच्छा, इकहत्तर यहाँ पे अभी आपको लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? कौन कौन से अंक लिखोगे? कौन सा नंबर लिखोगे? सात और एक। वेरी गुड, सात और एक। यहाँ हम लिखेंगे सात और एक, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, पढ़ो। चौहत्तर। चौहत्तर, तो चौहत्तर लिखने के लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? सात और चार। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सात और चार। इससे आप लोगों को अंकों में और शब्दों में कैसे लिखा जाता है दोनों का ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। अब पढ़ो ये क्या लिखा है, बहत्तर। बहत्तर, अब हम बहत्तर अंकों में कैसे लिखेंगे, नंबर्स में बहत्तर कैसे लिखेंगे? सात और दो, यहाँ लिखेंगे सात और फिर लिखेंगे दो, तो हो जाएगा बहत्तर। अस्सी, ये क्या लिखा है? अस्सी कैसे लिखते हैं? आठ और जीरो, आठ और शून्य। हाँ, अब पढ़ो ये, पढ़ो क्या लिखा है। सतहत्तर। सब लोग कोशिश करो पढ़ने की। सतहत्तर, हाँ सतहत्तर कैसे लिखेंगे? सेवन सेवन। वेरी गुड, सात और सात, डबल, हाँ दो बार सात, दो बार सात लिखेंगे तो ये सतहत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, अब हमें यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा गया है, पढ़ो। अगली संख्या लिखो, हमें आगे की संख्या लिखनी है। इकहत्तर की अगली संख्या बताओ। तिहत्तर। इकहत्तर के बाद सीधा तिहत्तर, एक एक नंबर कहाँ गया? इकहत्तर के बाद बहत्तर। बहत्तर, वेरी गुड, इकहत्तर के बाद बहत्तर। अच्छा, ये क्या लिखा है पढ़ो, क्या हुआ? उन्यासी। उन्यासी के बाद बोलो, अस्सी। उनासी के बाद अस्सी। हाँ, अब देखो, अब यहाँ क्या लिखा है पढ़ो। लोगों को मैं बोलती हूँ इसलिए वाचन करो, तभी आप पढ़ पाओगे, बोल पाओगे। बोलो, 76, छिहत्तर, छिहत्तर। हाँ, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, छिहत्तर की अगली संख्या क्या होगी? 77, सतहत्तर। हाँ, सात सात, दो बार सात, यानी कि सतहत्तर। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, छिहत्तर की अगली संख्या क्या होगी? बहत्तर। चौहत्तर, चौहत्तर। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ये पढ़ो, पचहत्तर। तो पचहत्तर की अगली संख्या क्या होगी? पचहत्तर की अगली संख्या क्या होगी? छिहत्तर, छिहत्तर। अब देखो यहाँ पे आप लोग जरा ध्यान से देखो, अब हमें यहाँ पे क्या पूछा है प्रश्न, संख्याओं को क्रम से लिखो। अब देखो यहाँ पर है छिहत्तर, क्या लिखा है यहाँ पर? छिहत्तर। और यहाँ क्या लिखा है? अस्सी। अस्सी, तो अब हम इन तीनों में हमें अंक लिखने हैं, तो छिहत्तर के बाद वाली संख्या क्या होगी? सतहत्तर। सतहत्तर, यहाँ पर क्या आएगा? सतहत्तर। अठहत्तर, अठहत्तर। यहाँ पर क्या आएगा? उन्यासी। उन्यासी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब उसी प्रकार यहाँ पर देखो क्या लिखा है, पढ़ो। इकहत्तर। इकहत्तर, क्या लिखा है? इकहत्तर। और यहाँ क्या लिखा है? पचहत्तर। पचहत्तर, हाँ, तो इकहत्तर के बाद वाली संख्या बताओ। बहत्तर। बहत्तर, यहाँ पर तिहत्तर। तिहत्तर, वेरी गुड, यहाँ पर तिहत्तर।
73 और यहाँ 75। हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है प्रश्न, चित्र का निरीक्षण करके खाली स्थान में सही संख्याएं लिखो। अब देखो हमें ये चित्र को ध्यान से देखना है और फिर ये जो डब्बे हैं खाली जगह है वहां पे हमें नंबर भरना है। अब देखो बताओ यहाँ पर तो बराबर लिखा है, गिनो 10-10 की कितनी माचिस की तिल्लियां हैं, गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे देखो लिखा है ना 7 दहाई 0 इकाई, यानी कि अंकों में क्या लिख पढ़ेंगे 70। क्या पढ़ेंगे 70। हाँ तो यहाँ देखो शब्दों में लिखा है 70। ठीक है। अब देखो यहाँ लकड़ियों के कितने गट्ठर हैं, गिनो 10, 20, 40, 50, 60, 70, यानी कि 7 लकड़ियों के कितने गट्ठर हैं, 7 गट्ठर हैं। तो यहाँ पे दहाई के स्थान पर लिखा है ना 7, हाँ तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर क्या आएगा, छुट्टी लकड़ियां कितनी है, दो। देखो ये कितनी है, दो। एक है, एक, एक। हाँ तो यहाँ पर कितना आएगा, 71। एक, हाँ तो 71। तो क्या पढ़ेंगे 70 1 71। ठीक है। अब देखो ये हमारे कितने लकड़ियों के बंडल हैं, आप लोगों को मालूम पड़ गया है ना सबको, ये 7 हैं। कितने हैं, 7। अब बताओ और जो छुट्टे लकड़ियां हैं यहाँ पर कितनी है, 3। नहीं बेटा ये बता रही हूँ ना, ये वाला पूछ रही हूँ, कितना है, 2। वेरी गुड। हाँ तो यहाँ पे हमने 7 लिखा है दहाई के स्थान पर, तो इकाई के स्थान पर खाली डब्बा दिया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, कौन सा अंक बताओ, 2 लिखेंगे। हाँ इस डब्बे में हम 2 लिखेंगे तो हो जाएगा 72। 70 और 2 72। अब देखो यहाँ पे दोनों डब्बे खाली हैं, तो हमें पूरा ये गिनना है, ये कितने हैं हमारे 10-10 के कितने गट्ठर हैं, 7। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 7। और यहाँ पर छुट्टी लकड़ियां कितनी है, गिनो 3। वेरी गुड। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 3। तो क्या हो जाएगा, 70 3 73। हाँ 73। अब देखो यहाँ पर 7 है, यहाँ पे 7 लिखा है। अब हमारी छुट्टी लकड़ियां कितनी है, गिनो 1 2 3 4। तो यहाँ हम इस डब्बे में कितना लिखेंगे, 4। हाँ तो 70 4 74। हाँ अब यहाँ पर हमारे इकाई के स्थान पर 5 लिखा है, लेकिन दहाई के स्थान पर कोई अंक नहीं लिखा है, तो यहाँ हमें क्या लिखना है, हम यहाँ से देखेंगे हमारा दहाई का गट्ठर कितना है, ये जो लकड़ियां 7। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 7। हाँ अब देखो यहाँ 5 लिखा है, तो देखो इकाई में क्या 5 लकड़ियां हैं, गिनो 1 2 3 4 5 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
सत्तर पांच पचहत्तर। अब देखो यहाँ ये लिखा है कितने गट्ठर है हमारे दहाई के, दस दस के कितने हैं गट्ठर? सात है। हाँ अब छुट्टे लगता जरा गिनो कितनी है, एक दो तीन चार पाँच छः। छः फिर से गिनो, एक दो चार पाँच छः। हाँ ये है छः है, तो यहाँ कितना आएगा? छः। तो सत्तर छः छिहत्तर, सत्तर छ छिहत्तर। अब देखो यहाँ पर कितना है, एक दो तीन चार। देखो बच्चों अभी थोड़ा इसे बड़ा करते हैं फिर आप लोगों को बराबर था। देखो अब गिनो, एक दो तीन चार
हाँ इसे गिनो, हाँ छुट्टे लकड़ियां गिनो, एक दो तीन चार पाँच छह सात, सात तो 70 और 7, यहाँ देखो 7 दहाई लिखा है, तो यहाँ इकाई के स्थान पर कितना आएगा? 77। हाँ 7, तो क्या हो गया? 77, 77, 77, 77, 7, 77। हाँ अब देखो यहाँ पर ये कितने हैं लकड़ियों के गट्ठर, एक दो तीन चार चार पाँच छ सात, सात, और ये छुट्टे लकड़ियां गिनो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। हाँ तो कितना हो गया? 78। कितना हो गया? 78। 78, 78। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गिनो, ये हमारे लकड़ियों के गट्ठर हैं 7। अब छुट्टे लकड़ियां गिनो, एक दो तीन चार पाँच सात आठ नौ। हाँ तो यहाँ हम दहाई, यहाँ 9 लिखा है, तो हमें दहाई के स्थान पर कितना लिखना है? 9। 7 लिखना है हमें, दहाई के स्थान पर 7 लिखना है, तो 79। 79, 70 और 9, 79। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारे प्रश्न है, 71 से 80 का परिचय तथा लेखन। अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, इसका हम वाचन करेंगे, आप वाचन करोगे तो ही आपको पढ़ने आएगा ना बेटा। देखो ये पूरे हमारे कितने लकड़ियों के गट्ठर है, हम एक बार गिन लेंगे, चलो गिनो, एक दो तीन चार पाँच सात और एक, बस आठ नहीं, एक मिनट, 7 बेटा, 7 गट्ठर है और एक छुट्टे लकड़ी है, यानी कि 7 दहाई एक इकाई, 7 दहाई 71। हाँ अब उसी प्रकार यहाँ पढ़ो, ये पढ़ो, ये कितना गट्ठर है, अब तुमको मालूम पड़ गया ना, ये 7 है, कितना है? 7। 7 और ये छुट्टे लकड़ियां गिनो, 2। 7 दहाई 2 इकाई 72, तो बोलो 72। हाँ अब ये पढ़ो क्या लिखा है, 7 दहाई 3 इकाई, 7 दहाई 3 इकाई 73। हाँ अब यहाँ पढ़ो, 7 दहाई 7 दहाई, ये छुट्टी लकड़ियां कितनी है गिनो, 1 2 3 4 5 74, 5 नहीं है बेटा 4 है, 1 2 3 4 74, 7 दहाई 4 इकाई, बोलो 4 इकाई 4 इकाई 74। अब देखो यहाँ पे 7 दहाई, अब छुट्टे लकड़ियां 1 2 3 4 5 5। हाँ तो 7 दहाई 5 इकाई, 7 दहाई 5 इकाई 75। अब यहाँ देखो 7 दहाई, 7 दहाई लकड़ियां गिनो, 1 2 3 4 5 6, 7 दहाई 6 इकाई 76। अब यहाँ देखो 7 दहाई, 7 दहाई छुट्टी लकड़ियां गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दहाई 7 इकाई, 7 दहाई 7 इकाई 77। अब देखो 7 दहाई, 7 दहाई से 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 दहाई 8 इकाई, 7 दहाई 8 इकाई 78। अब यहाँ गिनो 7 दहाई, 7 दहाई छुट्टे लकड़ियां गिनो जरा ध्यान से, 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9 हाँ, सात दहाई नौ इकाई 79 हाँ, सात दहाई नौ इकाई 79 सात दहाई नौ इकाई हाँ, अब इसे गिनो, अब ये गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ ऊपर, अब यहाँ तक सात थे ना, पर यहाँ पर कितनी गट्ठर है, आठ है, हाँ लकड़ियों के आठ गट्ठर है, तो कितने हो गए, आठ और शून्य, आठ दहाई शून्य इकाई यानी कि 80 अब देख लो यहाँ पे क्रमिक संख्याओं के तोरण के रिक्त जगह में उचित संख्या लिखो। ये आपको पता है हमें नंबर लिखने हैं, अंकों लिखने हैं, लेकिन लाइन से। अब यहाँ 72 लिखा है, तो 72 के पहले क्या आएगा, 71 तो आपको यहाँ लिखना है 71 ठीक है, 71 72 अब यहाँ 73 यहाँ 74 हाँ यहाँ 75 हाँ, ये देखो 76 लिखा हुआ है, 76 के बाद 75 के बाद बेटा 76 के बाद 77 वेरी गुड 77 79 के बाद यहाँ पे लिखा ना 79 के बाद क्या लिखा है 80 हाँ, तो आप लोग को नहीं आएगा तो आप लोग इस चार्ट में से भी देख के लिख सकते हो। और ये जो शब्दों में लिखा है इसका वाचन करना है, ये आपका होमवर्क था, समझ गए ना आप लोग, हाँ अच्छा। अब चलो अब यहाँ पे देखो, अब आप लोगों ने वाचन और लेखन सब अच्छी तरह से सीख लिया ठीक है। अब मैं क्या आपको दिखा रही हूँ, मुझे पढ़ के बताओ क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना, हाँ ध्यान से पढ़ना, हाँ क्या लिखा है, 71 ठीक है, ये बहत्तर नहीं है, मैं लाइन से नहीं दिखा रही हूँ, हाँ आप लोग को नंबर पहचान कर ही बोलना है, जरूरी नहीं कि 71 के बाद मैंने 72 ही दिखाना है, अभी वेरी गुड, ध्यान से देखो, हाँ 75 ठीक है। अब बताओ ये 74 बोलो 74 हाँ, अब बताओ 79 वेरी गुड वेरी गुड 79 बहुत अच्छे 79 अब बताओ 73 हाँ 83 नहीं 73 पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे 73 ठीक है, और 72 हाँ 72 अब पढ़ो पढ़ो 77 हाँ अब पढ़ो 77 कितना लिखा है 77 ये पढ़ो, ये क्या लिखा है 80 और ये 78 बच्चों आज हमने 71 से 80 तक की संख्याएं सीखी, क्या सीखा आज हमने 71 से 80 तक, ठीक है अब एक बार आप लोग मेरे साथ बोलोगे, बोलना शुरू करो फटाफट, 71 72 बोलो जल्दी जल्दी, सब अंकों के नाम बोलो, 74 75 73 77 79 80 हाँ हाँ ठीक है, फिर से बोलो 71 72 74 75 77 77 79 80 है, ओके बच्चों अब आप घर में होमवर्क करना और वाचन करना, हाँ अगले सेशन में मैं फिर आप लोगों से पूछूंगी तो आप लोग मुझे
पूरा नंबर पढ़ के बताना। ओके बच्चों, चलो टीचर को नमस्ते बोलो। नमस्ते टीचर। बाय 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 टीचर। बाय बेटा, बाय। अच्छे से होमवर्क करना और पढ़ना। हाँ ओके बाय टीचर। थैंक यू।